गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सो इट्स बीन सो मैनी डेज, मैंने कोई भी ना रेगुलर व्लॉग आप लोग के साथ शेयर नहीं किया बिकॉज थोड़ा हम लोग बिजी चल रहे थे। तो आपने प्रीवियस दो व्लॉग्स देखे ही होंगे जिससे आपको पता लग गया होगा कि हमारे शिकागो के फ्रेंड्स एक्चुअली यहाँ फ्लोरिडा आए हुए थे। नाउ दे आर बैक टू शिकागो, बट उनके साथ हमने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया और उनका जो स्टे था वो ऑलमोस्ट 1 वीक का था। बट बीच में अभी रिसेंटली ना एक और हरिकेन जो है वो आया फ्लोरिडा में और उसकी वजह से सारी फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो गई। तो उनकी भी जो शिकागो की फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई, तो उनका स्टे जो है कुछ डेज एक्सटेंड हो गया। तो इसीलिए मैं थोड़ा और बिजी हो गई एंड कोई भी रेगुलर व्लॉग जो है वो शेयर नहीं कर पाई। बट द गुड थिंग इज कि हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और सिया और भूमि ने तो बहुत सारा एंजॉय किया। और मैंने प्रीवियस दो व्लॉग्स आपके साथ शेयर किए थे ना, जिसमें हम लोग एक बार टेम्पा घूमने गए थे और कुछ रैंडम अपडेट्स आंटी अंकल के साथ और फ्रेंड्स लोगों के साथ। तो आई एम श्योर आपने वो दोनों व्लॉग्स देख लिए होंगे। और लास्ट वीक यहाँ पर हमारे काउंटी में सारे स्कूल्स जो है वो बंद थे, वेडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जस्ट फॉर द सेफ साइड कि हरिकेन जो एक और रिसेंटली आया था उससे ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं होगा, बच्चे एकदम सेफ रहें इसलिए। तो बच्चों की लगातार काफी छुट्टियां हो गई, वेडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे लगातार। दे रियली एंजॉयड देयर टाइम। नाउ वी आर बैक टू द प्रेजेंट रूटीन। आत्सिया का भी स्कूल है, भूमि भी स्कूल गई हुई है और पुष्पेंद्र का ऑफिस का काम चल रहा है एंड मैं भी अपना यूट्यूब रिलेटेड वर्क जो है वो रीस्टार्ट कर चुकी हूँ। और फ्रेंड्स लोगों के आने से पहले मैंने अपने लिए ना कुछ लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग कुर्तीज हैं वो मंगाई थी, बहुत ही सुंदर सी कुर्तीज हैं। और मेरा जो पैकेज है ना वो उन लोगों के आने से पहले आ गया था लेकिन मैं उसको शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि नेक्स्ट डे से फिर बिजी शेड्यूल हो गया था। तो मैंने उसको ना एक तरफ उठा के रख दिया था कि जब सब लोग अच्छे से यहाँ पर घूम घाम के चले जाएंगे तब मैं तसल्ली से बनाऊंगी, क्योंकि सब लोग हों फिर ऐसे वीडियो बनाते रहो कुर्ती पहन के ट्राई। अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो ब्यूटीफुल सी कुर्तीज और ये कुर्तीज ना बहुत ही मतलब ट्रेंडिंग है। सो दिस इज माई फर्स्ट कुर्ती फॉर द डे और सारी ही कुर्तीज एंड सूट्स जो मैं आज दिखाऊंगी व्लॉग में ये सब मैंने सिया फैशन से मंगाए हैं। सिया फैशन इंडियन, एशियन, पाकिस्तानी एथनिक वियर्स के लिए एक वन स्टॉप शॉप है, यहाँ पर बहुत सारा कलेक्शन आपको मिल जाएगा और इनकी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। तो ये डेम्योर लाइट ग्रीन कलर की कुर्ती है विद द स्कर्ट और आजकल ना स्कर्ट स्टाइल कुर्तीज बड़ी ही ट्रेंडिंग है और स्कर्ट को टाई करने के लिए इस तरह से डोरियां दे रखी हैं। ये गले का डिज़ाइन है जो आप देख रहे हो और ओवरऑल बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही एलिगेंट कुर्ती है। सो आई गिव इट अ बिग थम्स अप एंड कलर कॉम्बिनेशन इज ग्रेट। और नेक्स्ट है ये जॉर्जेट मटेरियल का शरारा स्टाइल सूट, तो ये ग्रे कलर का है और ना इसमें ऊपर गले की तरफ ना वर्क हो रखा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी डिटेल में। और ये मैंने ना स्टैंडर्ड साइजेस के कुर्तीज़ एंड सूट्स मंगाए हैं जो रेडीमेड आप कह सकते हो, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज़ करके कई सारे सूट्स हैं, लहंगाज, ब्लाउजेज़ बनवा सकते हो। और दुपट्टा ये देख रहे हो आप, इसका दुपट्टा ना ऑलरेडी रेडी टू वेयर है, बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ओवरऑल जैसे किसी भी पार्टी या ओकेजन में आप इसको पहन सकते हो, इस तरह से हैंगिंग्स लगे हैं साइड्स में एंड आई रियली लव दिस सूट ऑल्सो। और बेल्टेड प्लाजो पैंट है अलॉन्ग विद द इलास्टिक, वेरी इजी टू वेयर एंड कंफर्टेबल, और मैं वॉक करके देख रही थी तो बहुत ही कंफर्टेबल है ये। ओके, सो नेक्स्ट है ये रेयन मटेरियल की ब्राइट पिंक कलर की कुर्ती, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कलर है। और जो प्लाजो है उसके ऊपर हो रखी है एम्ब्रॉयडरी और सेम एम्ब्रॉयडरी गले पे भी हो रखी है, तो मैं क्लोजअप दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा थ्रेड वर्क है और जो कि ना कुर्ती को बहुत ही एलिगेंट लुक दे रहा है। और सारे ही जो साइजेज़ हैं कुर्तीज़ एंड सूट्स के वो मैंने मंगाए हैं एक्सल साइजेज़। वैसे इंडियन साइज़ में मुझे लार्ज साइज़ अच्छे से आता है लेकिन आजकल मुझे थोड़ा सा लूज़ पहनना ज़्यादा प्रेफर लगता है, तो इसलिए मैंने एक्सल मंगाया है। सो दिस इज़ द लास्ट सूट फॉर द डे और ये दुपट्टे के साथ है और ये ना ऑरेंज कलर का रेयन मटेरियल का सूट है, ये गले का डिज़ाइन है और पूरी ही कुर्ती पर फॉयल वर्क हो रखा है दुपट्टे पर भी, और ये है इसका नीचे का सलवार, तो ये बड़ा ही ट्रेंडिंग स्टाइल का सलवार है। अभी आपको दिखाऊँगी कैसे लुक आ रहा है। आजकल बड़े इस तरह से पॉइंटेड से सलवार चल रहे हैं और मैंने कई सारे लोगों को देखा है ऐसे पहने हुए, सो आई थॉट कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो इस तरह का है इसका सलवार एंड वेरी कंफर्टेबल टू वॉक अगेन सी एंड वेरी यूजफुल, आप एवरीडे यूज़ में या फिर किसी ओकेजन पे पहन सकते हो। सो ये थी सारी कुर्तीज़ अलॉन्ग विद द प्लाजो सेट्स एंड दुपट्टाज एंड मुझे सारी ही बहुत पसंद आई हैं। और आप बताइएगा आपको सबसे अच्छा कौन सा पेयर लगा, और रियली गुड फॉर एनी यू नो टाइप ऑफ ओकेजन, फेस्टिवल्स का सीजन हो, वेडिंग सीजन इज कमिंग, तो हमेशा अगर हैवी वेयर नहीं पहनना है, कुछ लाइट वेट पहनना है, तो ये सब आप पहन सकते हैं, इट लुक्स रियली गुड। और सिया फैशन के बारे में बात करूँ तो लास्ट ईयर भी मैंने सिया फैशन के कुछ क्लोथ्स आपको दिखाए थे,
लाइक साड़ीज दिखाई थी, लहंगा, और उनका एक्सपीरियंस जो है मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं इंडिया भी लेकर गई थी वो कपड़े भाई की शादी में, तो सबने साड़ीज वगैरह देखी, सबको ओवरऑल बहुत अच्छी लगी। एक साड़ी मैंने मदर इन लॉ को भी दी थी, एक साड़ी मैंने मम्मी को दी थी, उसमें से उनको काफी पसंद आई। सो सिया फैशन इज वन ऑफ माई फेवरेट शॉप फॉर द ऑनलाइन शॉपिंग ऑफ इंडियन एथनिक वेयर्स, और स्पेशली जब आप इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में रह रहे हो तो हम लोग इतना वेट नहीं कर सकते हैं कि कब इंडिया जाना होगा, फिर से इंडियन कपड़े लेकर आएंगे, और लेकर भी आते हैं ना तो कुछ साल बाद फिर जाना होता है, तब तक वो आउट ऑफ फैशन हो ही जाते हैं। तो इन बिटवीन कोई ओकेजन हो, कोई फेस्टिवल सीजन हो, या फिर कोई यू नो हाउस वार्मिंग पार्टी, या कोई पूजा है घर में और हम लोगों को कुछ ऑनलाइन इंडियन एथनिक वेयर्स कपड़े मंगाने हैं, सो इट्स वन ऑफ द काइंड ऑफ दैट प्लेस। और यहाँ पर आपको ना वुमेन के, मैन के, बच्चों के, और गर्ल बॉयज बोथ सबके कपड़े मिल जाएंगे। वेरी इजी टू यूज मोबाइल में या फिर लैपटॉप में www.siafashion.com ओपन करके बहुत सारा इनका कलेक्शन है, और अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग कौन सा आपको फैब्रिक चाहिए, कौन से डिजाइन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यू नो बहुत सारे कलेक्शन में से आप चूज कर सकते हो। और इंडिया में फ्री शिपिंग अवेलेबल है ऑल ओवर, और कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, और वर्ल्ड वाइड शिपिंग है इनकी, सारे ही कंट्रीज में ये लोग शिप करते हैं। अगर आप $249 से ज्यादा का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो या फिर $249 का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आपको वर्ल्ड वाइड भी फ्री शिपिंग मिलेगी। सो आई होप कि आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस सिया फैशन के साथ बहुत अच्छा रहे, एंड डू ट्राई इट। कोई ओकेजन है जिसपे आप इंडियन एथनिक वियर सर्च कर रहे हैं, यू कैन ट्राई इट। एंड विद दिस चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना आगे का ब्लॉग। रिसेंटली मैंने अपने किचन में थोड़ा सेटिंग में चेंजेस किए हैं। पहले आपको वो वाला जो डिश ड्रेनर है वो यहाँ रखा हुआ दिखता था, और ये सारी ही स्पेस ऑक्यूपाइड हो गई थी तो मैंने इसको थोड़ा फ्री किया है। ओके सो इट इज अ टाइम टू कुक सम लंच नाउ। बच्चे स्कूल में हैं, पुष्पेंद्र और मैं हैं घर पे, तो मैं कुछ भी सिंपल सा बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा वीडियो वगैरह का भी काम करना है। तो लेट्स सी कि क्या बनाती हूँ लंच में। सो दिस इज वॉट आई सर्व फॉर लंच टूडे। ग्रीन बीन्स की सब्जी बनाई है और साथ में थोड़ी दही सर्व की है, थोड़ा सैलड कट किया है और रोटियां हैं। उसके बाद अपना यूट्यूब का काम किया, और अभी सिया स्कूल से आ गई है। पुष्पेंद्र जा रहे थे भूमि को पिक करने के लिए, सिया भी उनके साथ जाने लगी, एंड देन आई डिसाइडेड कि चलो मैं भी साथ चलती हूँ। सो हम तीनों ही जा रहे हैं भूमि को पिक करने के लिए, और भूमि बहुत खुश हो गई हम तीनों को देख कर, और उसके बाद वी आर गोइंग बैक होम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, स्टार्टिंग माय डे विद अ ग्लास ऑफ वाटर, और आज का मौसम बहुत अच्छा है। सिया स्कूल जा चुकी है, आज भूमि का स्कूल नहीं है, और सिया भूमि का ब्रेकफास्ट हो गया, पुष्पेंद्र को बना के दे दिया, और अभी मैं अपने लिए यहाँ पर ऑमलेट बना रही हूँ। और मैं चाय नहीं ले रही हूँ, मैंने ऑमलेट के साथ थोड़े फ्रूट्स ले लिए हैं। उसके बाद मैंने क्विकली किचन क्लीन अप कर दिया, और उसके बाद मुझे अपने लैपटॉप में कुछ कुछ डेटा वगैरह का काम करना था, थोड़ा यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, और पिछले कुछ टाइम में थोड़ा गैप हो गया, सो आई एम गेटिंग बैक। और उसके बाद भूमि को भी मैंने ना यहीं बिठा लिया है, उसकी जो प्री स्कूल वाली बुक है उसमें कुछ कुछ उसको काम दिया, और उसके बाद नाउ इज़ द टाइम टू प्रिपेयर लंच। सो लंच में बनाऊंगी भरवा बैंगन, और इनको मैं एयर फ्राई करूंगी, तो उसमें स्लिट लगा लिए हैं। एक प्लेट में मैंने कुछ मसाले ऐड किए हैं, और थोड़ा इसमें मैंने हींग पाउडर, सॉल्ट और आमचूर भी ऐड किया है, बाकी बेसिक मसाले। उसके बाद एक छोटी चम्मच मस्टर्ड ऑयल, एंड मिक्स इट वेल, और उसके बाद मैं स्टफ़ कर दूंगी बैंगन में। तो इसको हम शैलो फ्राई कर सकते हैं कढ़ाई में या पैन में, बट आई डिसाइडेड कि चलो आज एयर फ्राई करते हैं, थोड़ा ऑयल भी कम लगेगा। सो ऑन वन हैंड बैंगन रेडी हो रहे हैं, तब तक मैं ऑयल बॉटल जो है जो खाली हो गई थी उनको रीफिल कर देती हूँ, तो इस तरह से ये वाला काम भी डन हो जाएगा। और उसके बाद घर को थोड़ा सा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज किया, सारी चीज़ों को वापस उनकी प्लेसेस पे रखा, और उसके बाद अभी जा रहे हैं हम लोग बाहर ट्रैश फेंकने के लिए। कमिंग बैक आई प्रिपेयर्ड सम रोटीज, और ये है हमारा लंच। तो बहुत ही सिंपल सा लंच है, रोटी, थोड़ी प्याज कट की है, दाल है, और बैंगन बहुत अच्छे से पक गए हैं, लेकिन ऊपर से थोड़े से ड्राई से लग रहे हैं क्योंकि ऑयल के बिना कुक हुए हैं ये। तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो हल्का सा ब्रश की हेल्प से ऑयल ऊपर से कोट कर दूंगी, तो आई थिंक थोड़े ऊपर से भी अच्छे लग दिखेंगे, तो अभी बहुत सूखे सूखे दिख रहे हैं। और शाम के टाइम में थोड़ा फ्री होकर मैंने डिशवॉशर जो है इसको थोड़ा सा क्विकली स्क्रब करके साफ कर दिया क्योंकि ये बहुत ग्रीसी है। गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज फ्लोरिडा में काफ़ी ठंडा मौसम है, मुझे कैप लगा के और हुडी वगैरह पहन के आना पड़ा है, और सुबह का टाइम है
आज दोनों बच्चों का ही स्कूल था तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट बना के रख देती हूँ और उसके बाद मैं आई हूँ बाहर ट्रैक पे वॉक करने के लिए। तो शाम के टाइम ना आजकल डे लाइट सेविंग की वजह से थोड़ा अंधेरा हो जाता है, तो पिछले कई दिनों से मैं आ नहीं पाई हूँ, काफ़ी डार्क हो जाता है तो ट्रेल पे। और सुबह सुबह वॉक करने की ना अपनी एक अलग ही चार्म है, और सुबह सुबह सन रेज आ रही हैं इधर से, और सुबह सुबह वॉक करना ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन शेड्यूल ऐसा रहता है कि बच्चों को तैयार करना, ये करना, वो करना, तो उसमें टाइम निकल जाता है, तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में नहीं आ पाती हूँ। बट आई एम ट्राइंग टू चेंज दैट रूटीन कि मैं सुबह थोड़ा टाइम निकालूँ, एंड लेट्स सी हो पाता है कि नहीं। लेकिन सुबह की जो ताजगी है वो एकदम अलग ही है। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। एंड अगर आप लोग ना इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखना पसंद करते हो तो मैं आजकल इंस्टाग्राम पे कुछ फन लविंग रील्स बनाने की कोशिश करती हूँ। तो इंस्टाग्राम अकाउंट है hopeyourelate.indianmomusa, तो आप लोग वहाँ भी मुझे फॉलो करें एंड स्टे कनेक्टेड गाइज। फिर आप लोगों से मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छे से नए व्लॉग के साथ। बाय।